गौरैया देखने। चलो चले पक्षी देखने, छमछम नाचता मोर देखने, गाने वाला दयाल देखने, पुक पुक बोलता बसंता देखने, ठक ठक ठोकता कठपुतवा देखने, बड़ी चोंच वाला धनेश देखने। चलो तालाब किनारे पक्षी देखने, रंग बिरंगे किला काली देखने, सफेद तिलक वाली ठेकरी देखने, पक पक करती गोगराल देखने। चलो मचान पर पक्षी देखने, इधर उधर दौड़ते तीतर देखने, सीटी बजाने वाली चंडाल देखने। चलो चले पक्षी देखने। धन्यवाद। मेरा नाम गंभीर सिंह है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कोटाबाग है। मेरी कहानी का नाम खिड़की हवा मछली और मैं। शाम का सुहाना मौसम था। उन दिन घर में मैं अकेली थी। मैंने कुर्सी उठाई और मेज के पास वाली खिड़की पर जाकर बैठ गई। मेज पर रखा हुआ शीशों का चौकोर सा डिब्बा चमक रहा था। खिड़की खोली, खिड़की के खुलते ही हुआ अग्नि तेज तर्रार अदाओं के साथ कमरे में दाखिल होने लगी। खिड़की के शीशे पर आती मछली के डिब्बे की चमक ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं उसे निहारने लगी। उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी और एक मैं थी कि वह बस उन्हें निहारे ही जा रही थी। अंदर रखी मछलियां कभी एक दूसरे से आगे आती तो कभी पीछे, ऐसा लग रहा था मानो मछलियां रेस लगा रही हो। मछलियों के साथ साथ बुलबुले भी दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद मछलियों को गर्मी लग रही है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए मछलियों को खोल दूं। आखिरकार उन्हें भी तो अच्छी हवा खाने का हक है। यह सोच मैंने उन्हें खोल दिया और वो सब मुझे धन्यवाद देती हुई खिड़की से बाहर हवा में उड़ने लगी और सामने की नदी में चली गई। नमस्कार, मेरा नाम संध्या है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय करकटामटा है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी का नाम है अनबन। चार बटन थे, चारों एक कमीज पर रहते थे। कमीज बहुत सुंदर थी, रंग बिरंगी फूलों वाली। कमीज बटनों से बोली, गोल मोटे छेद वाले तुम अच्छे नहीं लगते। उसने एक पटका मारा, एक बटन छूटकर अलमारी के नीचे लुढ़क गया। फिर कमीज ने दूसरे बटन को जोर से खींचा और वह भी चक्कर खाता हुआ अलमारी के नीचे जा पहुंचा। अब कमीज ने तीसरे बटन का धागा उधेड़ा और वह जमीन पर गिरते ही चक्री की तरह फिरकने, वह अपनी साथी बटनों से जा मिला। फिर कमीज ने झटका लगाया और आखिरी बटन भी घूमता हुआ अलमारी के नीचे सरक गया। अब ठीक है, यह कह कर कमीज हैगर पर नाचने लगी।
तभी मैरिन आई, यह क्या? बिना बटन के कमीज उसने हैगर से हटा कर कमीज नीचे फेंक दी।